वेलकम टू टाइम टू टाइम स्टडी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत समय के बाद क्लास ला रहा हूं, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हो गए थे जिसके कारण मैं क्लास नहीं दे पा रहा था, और आज के बाद मैं आपको रेगुलर क्लास देता रहूँगा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये क्लास मैंने स्पेशल रखी थी जेटेड वाले के लिए और झारखंड के लिए, तो इसमें मैं कल से जेटेड और झारखंड के करंट अफेयर को इसमें डाला करूंगा, जिसमें आप अपने तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि जेटेड मैंने यहाँ लिखा है, कल के पेपर में मैंने पढ़ा था कि जो जेटेड का एग्ज़ाम होने वाला था उसे सितंबर में अब नहीं लिया जाएगा। उसे सितंबर में लेने की बात हो रही थी, लेकिन अब जो है सितंबर में नहीं लिया जाएगा, वो कुछ समय के लिए स्थगित हो जा सकता है। वो किस लिए? क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये समय जो हमारा चल रहा है 2020 का, ये बहुत ही खतरनाक हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वायरस आया हुआ है और हम लोग काफ़ी इस चीज़ को झेल चुके हैं और झेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सब अपने अपने घर में सुरक्षित रहे होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखते होंगे। खैर, ये सब तो बाग की बात है, आगे चलते हैं। आज का जो दिन है दोस्तों, वो है विजय दिवस। ये विजय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज के ही दिन जो है, हमने कारगिल की का जो युद्ध था उसे हमने जीता था। देख सकते हैं, आज का ट्वीट है डीडी न्यूज़ का कि विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर पूरे देश भारत के वीर सपूतों को अदम्य साहस और कुर्बानी को कर रहा है याद, भारतीय सेना के शौर्य को नमन। जी हां, हम लोग भी भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं और तहे दिल से उनका इज्जत करते हैं। वो हमारे लिए बॉर्डर पे हैं खड़े, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। उनके लिए इज्जत करना हमारे लिए गर्व की बात है, तो इसलिए हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, क्योंकि कारगिल का युद्ध जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसी को हम लोग, जिसमें हम लोग क्या किए थे कि हम लोग जब लड़ाई हुआ तो इसमें हम लोग को जीत हासिल हुई थी, इसलिए हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। ये कौन सा विजय दिवस है दोस्तों, ये आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए, आज तो एक क्लास हो गया, तो आज जो है वो 21वां हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पात्रता परीक्षा जो है झारखंड का, वो सितंबर में नहीं होगी, तो आप देख सकते हैं वो न्यूज़ का कटिंग मैंने आपको डाल दिया है। आप देख सकते हैं शिक्षा पात्रता परीक्षा का भी टलना तय है, वो रांची का न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कोविड-19 संक्रमण के मद्देनज़र झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेड अब सितंबर में नहीं होगी। अब देख सकते हैं इसमें सितंबर का मेंशन किया गया है, इसका मतलब जो है कि जैक जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, वो तैयारी थी कि सितंबर में ही ये परीक्षा लिया जाए, लेकिन अब ये बीमारी को देखते हुए ये सितंबर में नहीं होगी। आप लोग के लिए काफ़ी समय है जिसमें आप लोग तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसलिए आप लोग जमकर पढ़ाई करें और जो है झारखंड का जो जेटेट वो जब आ जाए तो उसको आप लोग अच्छे से क्रैक करें, जिसके लिए मैं करंट अफेयर को भी लाऊंगा। आप इसको भी ज़रूर देखें, कल से मैं इसको रोज़ के रोज़ मैं डाला करूंगा, जिसमें मैं 2019 और 20 के करंट अफेयर को मैं लाऊंगा। आप इन दोनों साल के करंट अफेयर को रेगुलर देखें, जिससे आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगी। और मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।